पर अब आपको एक ऐसा इनोवेशन दिखाएंगे जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल होता है। अस्पतालों में लगे बड़े बड़े वेंटिलेटर की जगह अब एक ऐसा वेंटिलेटर बना दिया गया है जो जेब में रखा जा सकता है। जी हाँ, पॉकेट में रखने वाला वेंटिलेटर बनकर तैयार हो गया है। और सिर्फ इसे बनाया ही नहीं गया है बल्कि दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कैसे काम करता है, क्या है इसका सिद्धांत और कब तक ये आम आदमी के लिए उपलब्ध हो सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब देती देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। वीडियो में दिख रहे इस लड़के के हाथ में एक छोटी सफेद सी चीज है। इस चीज की अहमियत बताने से पहले इसके साइज पर गौर कीजिए। ये इतना छोटा है कि आराम से इधर उधर लेकर घूमा जा सकता है, ये जेब में भी रखा जा सकता है। अब ये तस्वीर देखिए, दोनों चीजें एक ही काम करती हैं। ये अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर हैं। अभी तक आपने अस्पतालों में इसी तरह के वेंटिलेटर देखे होंगे, लेकिन अब इससे 450 गुना छोटा वेंटिलेटर बनकर तैयार है। अक्सर आपने अस्पतालों में अपनी लंबाई जितने वेंटिलेटर्स देखे होंगे, लेकिन दिल्ली एम्स के एक युवा वैज्ञानिक ने ऐसा पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है जिसको न सिर्फ आप अपनी जेब में रख सकते हैं बल्कि मोबाइल के थ्रू अपने पेशेंट की एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर सकते हैं। वेंटिलेटर की जरूरत तब पड़ती है जब मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता। आमतौर पर वेंटिलेटर की साइज करीब 6 फीट होती है। वेंटिलेटर में मरीज को ऑक्सीजन देने वाली मशीनें होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है जो मरीज के खून में जा रही ऑक्सीजन की सही मात्रा बता सके। लेकिन एम्स में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर दीपक अग्रवाल और 25 साल के रोबोटिक्स इंजीनियर दिवाकर वैश्य ने छोटा सा वेंटिलेटर तैयार किया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज ऑफ C1 C2 इंजरी, यानी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, गर्दन की चोट जिसे हम कहते हैं, उसके वजह से फुल बॉडी पैरालिसिस में बॉडी चली जाती है, यानी ब्रेन इज नॉट एबल टू कंट्रोल एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इन दैट केस डायफ्राम एक मसल होती है हमारे चेस्ट में जो कि हमारे लंग्स को कंट्रोल करती है। नाउ जैसे ही उस पर इफेक्ट पड़ता है, एक पेशेंट, एक मरीज अपने आप से सांस नहीं ले पाता एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नाउ बिकॉज वो अपने आप से सांस नहीं ले पाता तो हमें मशीन के थ्रू उन्हें सांस देनी पड़ती है और उसे हम वेंटिलेटर के थ्रू देते हैं। ना हमारे पास कई सारे पेशेंट्स हैं जो कि कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक इस वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। ना ये वेंटिलेटर बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही महंगा होता था, तो ये पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहते थे और हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पाते थे। वेयरएज अब हमने ये छोटा वेंटिलेटर बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है। रिसर्च के मुताबिक जिन मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है उनमें से 90% मरीजों के फेफड़े ठीक होते हैं। डायफ्राम में दिक्कत की वजह से वो सांस नहीं ले पाते और उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, यानी उनके डायफ्राम को मशीन का सहारा दिया जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके फेफड़े वातावरण की हवा से ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसी सोच के साथ ये वेंटिलेटर तैयार किया गया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंसर लगा हुआ है और ये सेंसर हमारे मेन डिवाइस में जा रहा है और ये मेन डिवाइस सेंस करके, इसमें कंप्यूटर है और वो सेंस करके ये बताता है कि कब सांस अंदर देनी है और कब सांस बाहर निकालनी है। तो ये बेसिकली सेंस करके ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कर रहा होता है। और यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है जो कि ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। इसके अंदर 2 वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। बिकॉज अभी हम हॉस्पिटल में है तो हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू या ऑक्सीजन पाइप के थ्रू हमने दे रहे हैं, बट इसका एक स्टैंडर्ड लोन वर्जन भी अवेलेबल होने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर आपको किसी तरीके से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, वो रूम एयर पे ही काम करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग टाइम पे सांस अंदर दे रहा है, सांस बाहर ले रहा है, और आप उधर देख सकते हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, मतलब ब्लड में जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का होना चाहिए उतना भी है। दैट इज द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेंटिलेटर का इस्तेमाल आमतौर पर अस्पतालों में किया जाता है, लेकिन इस वेंटिलेटर के साथ मरीज अपने घर पर भी रह सकता है।
डॉक्टर इस वेंटिलेटर पर देखने वाली पूरी रिपोर्ट अपने मोबाइल में ही मॉनिटर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा मोबाइल फोन उसके आसपास ही रहे। आप जब उसे कंट्रोल करना चाहें, आप सेट करना चाहें, आप उस मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर देख सकते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये सारी वैल्यूज अंदर और बाहर, मतलब ये इनहेल मतलब हवा अंदर दे रहा है और देन ये एक्सहेल मतलब हवा बाहर ले रहा है। तो ये इनहेल एक्सहेल साइकिल 2400 घंटे सातों दिन चलते रहता है, जिससे एक पेशेंट सांस ले पाता है। और साथ में आप इसमें रॉ वैल्यूज भी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है, जो कि डॉक्टरों के काम में आती है। एंड देन इफ यू वांट टू सेट एनीथिंग तो आप इसे सेट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो देखिए, आप हो सकता है कि अभी आप दिल्ली में हैं, कभी पेशेंट किसी और रिमोट टाउन में हो, तब क्या होगा? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, टेलीफोनिकली हम यहां से अपने ऑफिस में बैठ के इसे सब कुछ सेट कर सकते हैं और इसकी चीजों को डायग्नोज कर सकते हैं। नियम के मुताबिक हर अस्पताल में जितने बेड होते हैं उसका 10% वेंटिलेटर होने चाहिए, लेकिन राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी 10,000 बेड पर सिर्फ 200 वेंटिलेटर हैं, यानी सिर्फ 2% वेंटिलेटर। दावा यह है कि ये वेंटिलेटर सामान्य वेंटिलेटर से 100 गुना सस्ता है। इस वेंटिलेटर की कीमत करीब 15,000 है, सामान्य वेंटिलेटर 5,00,000 से 15,00,000 रुपए तक होते हैं। इस वेंटिलेटर से रोजाना करीब 4,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्चा भी बचेगा। जाहिर है मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐसा वेंटिलेटर एक क्रांति है। अभी दुनिया में कहीं भी इतना छोटा वेंटिलेटर नहीं बना। ये वेंटिलेटर कम लागत में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में मदद करेगा। दिल्ली से अपर्णा त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन।